ये इससे कोई मतलब तो देखो जी, इससे तो सरकार ही जाने, हमें तो ऐसे लग रहा है जी कि चुनावी घोषणा हो। क्या इससे फायदा होने वाला है किसान का भाई? किसान का 20 रुपए से क्या फायदा होगा? किसान का 20 रुपए से तो कोई फायदा नहीं होने वाला। 20 रुपए से क्या होता है ये बताओ, कम से कम 100 रुपए बढ़ने चाहिए। हर चीज पे कितनी महंगाई है, कहते हैं कि हम महंगाई कम कर रहे हैं, महंगाई कम कर रहे हैं। आज कह के दाल रोटी सबसे सस्ती होती है, लेकिन दाल भी क्या कहते नहीं खा सकता किसान, अपना मिर्चों से रोटी खा रहा, ये सब सरकार की देन है। ये अच्छी बात है, जो मूल्य बढ़ रहा तो किसानों को काफ़ी फायदा होगा इससे, लेकिन बात यह है बस पेमेंट थोड़ा टाइम से नहीं हो पा रहा। इससे रिक्वेस्ट है हमारी कि गन्ना पेमेंट थोड़ा जल्दी टाइम से किया जाए। तो ये जो पेमेंट मतलब बढ़ाने की बात करी गई है अभी, तो ये इससे आप कितने संतुष्ट हैं? हम काफ़ी संतुष्ट हैं इससे, सभी किसान भाइयों के लिए फायदा होगा और हमारे लिए भी। तो जब भी चुनाव आते हैं उस टाइम ये घोषणा कर दी जाती है, लेकिन उसका मिलता कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ खाली घोषणा होती है, मिलता कुछ नहीं है। नहीं नहीं वाजिब कहाँ है वाजिब, तो कम से कम 50 रुपये प्रति कुंटल इसका दाम बढ़ना चाहिए। अब 20 रुपये से क्या आता है, कुछ भी नहीं है। महंगाई का ज़माना बढ़ता जा रहा है, महंगाई हर चीज़ पर महंगाई होती जा रही है, लेकिन किसान कहाँ से लाएगा लगाएगा करेगा। और जब किसान का माल जाता है बाजार में जाता है बिकने के लिए, उस टाइम कुछ उसका मूल्य नहीं होता है। तो ये जो आप इस पैसे से संतुष्ट नहीं हैं? नहीं नहीं ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो जो चुनाव का समय नज़दीक आता जाता है, हर प्रकार की घोषणाएं की जाती हैं लालच के लिए, चुनावी घोषणा भी हो सकती है। हर चीज़ के, हर बात के दो मायने होते हैं। जो इन्होंने क्वालिटी बताई या कीमत बताई, उसमें किसान को शक है। या तो ये होता है कि भाई 20 रुपये हमने प्रति कुंटल बढ़ा दिए, उसमें किसान को तसल्ली होती। लेकिन जब इन्होंने उसमें वो लगा दिया कि इतनी चीनी निकलेगी तो 20 रुपये मिलेंगे, नहीं तो कम मिलेंगे, किसान को कैसे मालूम पड़ेगी? मानोगे ना कि चीनी इतनी निकल रही है, नहीं निकल रही।